बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने भी बैडमिंटन में दिखाए हुनर, देखने को मिला नया जोश, नई ऊर्जा। श्री अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने बुधवार को 20वीं राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का सिटी कॉम्प्लेक्स हरिद्वार में दीप प्रज्वलित और रिबन काटकर उद्घाटन किया। प्रयास में यदि पूरी ऊर्जा लगाएं तो सफलता निश्चित है, यह बात अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक ने कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि मेरी सोच है कि हम अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं तो सफलता निश्चित है। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बैडमिंटन के प्रति उनका लगाव अद्भुत है और इसी लगाव और बैडमिंटन एसोसिएशन को सहयोग प्रदान करने के कारण उत्तराखंड में विश्व स्तरीय खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। श्री विनय शंकर पांडे ने पुलिस महानिदेशक से हरिद्वार सिटी कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सुझाव प्रदान करने का अनुरोध किया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में इसे समय से पूरा कराया जाएगा। सब स्टेट सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आपने सेरेमनी इनोवेशन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप सब जूनियर स्टेट की उत्तराखंड राज्य की सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसमें 10, 13 और 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका उनकी टूर्नामेंट है, उसी से स्टेट की टीम सेलेक्ट होगी और ये हजारों बच्चे उत्तराखंड में प्रैक्टिस करेंगे। देहरादून में अकेले में 15-20 अकेडमी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जो स्टेट की टीम डिसाइड करेगा और वो फिर नेशनल रैंकिंग में भी जाएगी। मैं हर बार बैडमिंटन एसोसिएशन को बधाई देता हूँ, एक अच्छे टूर्नामेंट। उत्तराखंड ने भी एक पहले के नाम रोशन किया बैडमिंटन को लेकर, तो इनको कोई संदेश देंगे इन बच्चों को? यही संदेश देंगे, हर बच्चा लक्ष्य सेन बने, हर बच्चा खूबर बने। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।